गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है, जब मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठी ही फीस, मतलब अपने जितने पूरे ही इकट्ठी फीस, मतलब लाइफ टाइम की जो फीस है वो इकट्ठी ही पे कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल टाइम, सम मेंबर्स पे द मेंबरशिप फीस इन लमसम, दैट इज वंस इन लाइफ टाइम। इट इज अ रिसीप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, दैट इज कैपिटल रिसीप्ट। जब कोई मेंबर जो है, कुछ मेंबर जो होते हैं वो अपनी जो जब जो मेंबर बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको पे करनी होती है फीस, और वो अपनी जितनी भी जितने टाइम के लिए वो बने रहेंगे वो मेंबर, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ तक बने रहेंगे, तो वो सारा ही अमाउंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को पे कर देते हैं इकट्ठे ही। ठीक है, जब वो इकट्ठा अमाउंट पे करते हैं तो वो नॉन रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है। मतलब वो जब पे कर रहे हैं इकट्ठा अमाउंट, तो बार बार तो करेंगे नहीं वो, ठीक है, तो उसको कौन सी रिसिप्ट माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, मतलब नॉन रिकरिंग नेचर की होगी और कैपिटल रिसिप्ट होगी, यानी कि वो मतलब एक वन ईयर के बाद फिर से नहीं देनी पड़ेगी उनको फीस। जब इकट्ठा अमाउंट इकट्ठा ही दिया जाता है, मतलब एक साथ ही दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट या फिर नॉन रिकरिंग नेचर की। तो अब आपको पता है कि नॉन रिकरिंग नेचर की या कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो कहाँ शो होती हैं, कहाँ शो करी जाती हैं, तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में शो करी जाएंगी, क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो है इसमें रिसिप्ट आएंगी, अमाउंट आएगा, पेमेंट आएगा, और उसके बाद अमाउंट आएगा। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में LMF लिखा हुआ है, तो वो इनकम है, एक सोर्स है इनकम का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसको हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे, ठीक है, और इसको इसमें शो करेंगे किस साइड, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की भी आइटम्स आती हैं और साथ में कैपिटल नेचर की भी आती हैं, ठीक है। अभी जो है हमारे पास ये लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कैपिटल नेचर की है, तो वो यहाँ पे आएगी। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो दूसरा वाला जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम रेवेन्यू नेचर की आइटम्स लेते हैं, ठीक है, तो इसमें नॉट अलाउड, नहीं आएगी इसमें, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की नहीं है, रेवेन्यू आइटम ही आती हैं, और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की आइटम्स ही आएंगी, तो ये कैपिटल नेचर की ही है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो करी जाएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करी जाएगी, वो भी रिसिप्ट साइड, और फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है बनता है वो बैलेंस शीट बनती है। तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो है वो लाइफ मेंबरशिप फीस शो करी जाएगी। इसको कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हैं, या अलग से जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे भी शो कर सकते हैं। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो ऐसी फीस जो इकट्ठी ही पे करी जाती है मेंबर्स द्वारा, अपनी जितना भी अमाउंट है, पूरे लमसम जो भी अमाउंट होता है वो इकट्ठा ही पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैंने बता दी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, उसमें रिसिप्ट साइड इसको शो करा जाएगा। क्यों करा जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है, बार बार जो है रेगुलर बेसिस पर वो नहीं होगी, या हर मंथ या ईयर जो है उसको पे नहीं करना पड़ता है, तो वो नॉन रिकरिंग नेचर की है और कैपिटल रिसीप्ट है, तो उसको रिसिप्ट साइड बताएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो
कैपिटल नेचर की है और रेवेन्यू नेचर की नहीं है। रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही शो करते हैं। बैलेंस शीट में इसको अलग से भी शो कर सकते हैं या कैपिटल फंड में ऐड करके भी शो कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आप लाइफ मेंबरशिप फीस को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि नया मेंबर जो है एडमिशन के टाइम पे करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, तो ऐसा अमाउंट जो कि नया मेंबर जो है वो पे करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। ठीक है, और ये इनकम का सोर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और इसकी जो नेचर होती है, ये किस तरह का होता है, ये रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, ये कैपिटल, इसको जनरली जो है वो रेवेन्यू नेचर का ही माना जाता है, रेवेन्यू इनकम ही मानी जाती है जनरली। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको रेवेन्यू इनकम ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है इसके बारे में कि इतना परसेंट जो है वो कैपिटलाइज मानना है और इतना परसेंट जो है वो रेवेन्यू मानना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है और एंट्रेंस फीस दी हुई है वहाँ पे, तो हम इसको रेवेन्यू इनकम एज्यूम करके चलेंगे। तो ये एंट्रेंस फीस की होती है अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो रिसीव होता है जब नया पार्टनर जो है ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेता है, तो वो पे करता है ऑर्गेनाइजेशन को, और ये इनकम का सोर्स है और इसका नेचर जो है वो रेवेन्यू इनकम है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है? दो तरह से करी जाती है। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में इसके बारे में आपको दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, बट कुछ भी नहीं बोला हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में, तो आपने इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है। ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि ₹10,000 जो है वो रिसीव हो रही है एंट्रेंस फीस। ठीक है, और क्वेश्चन में वहाँ पे बोला हुआ है कि 50% जो है इनकम ट्रीट करनी है और 50% जो है वो कैपिटलाइज शो करना है, उसको कैपिटलाइजेशन मतलब बैलेंस शीट में बताना है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तब तो हम सिंपल क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे, और किस साइड करेंगे, रिसिप्ट वाली साइड करेंगे। ठीक है, रिसिप्ट वाली साइड शो करेंगे क्योंकि रिसीव तो हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको रिसिप्ट वाली मतलब डेबिट साइड शो करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, और दूसरा जो होगा जब रेवेन्यू मानेंगे इसको, तो दूसरी वाली इसमें होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम वाली साइड मतलब क्रेडिट साइड इसको शो करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको दोनों में, क्योंकि इस दोनों में ही शो करेंगे क्योंकि इसमें कैपिटल नेचर की भी आती हैं प्लस रेवेन्यू नेचर की भी आइटम्स आती हैं। ठीक है, और इसमें इसलिए शो करेंगे क्योंकि इसको हम रेवेन्यू मान के चल रहे हैं, रेवेन्यू इनकम है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही इनकम्स और एक्सपेंडिचर आते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसको रेवेन्यू इनकम अज्यूम किया हुआ है तो दोनों तरफ दिखाएंगे, इसको शो करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको 50% या 60% 40% ऐसे ऐसे करके मतलब अगर शो करना है, ऐसे बताना है, ट्रीट करना है इसको, इनकम ट्रीट करना है, आधे को कैपिटलाइज ट्रीट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 10,000 जो थे वो एंट्रेंस फीस जो रिसीव हुई थी 10,000, वो उसको हमने 50% जो है वो इनकम ट्रीट करना है और 50% कैपिटलाइज करना है। तो उसके लिए 50% जब इनकम, सबसे पहले रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जो लिखेंगे वो एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हुई है। ठीक है, वहाँ पे जो रिसीव हुई है वो 10,000 हुई है, तो जितनी रिसीव हुई है वो पहले लिखेंगे, और किस साइड लिखेंगे, रिसिप्ट वाली साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, जितनी रिसीविंग हुई है कितने की हुई है, 10,000 की, वो 10,000 हम इस साइड लिख देंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अब वहाँ पे कंडीशन क्या थी,
बोला हुआ था कि 50% इनकम ट्रीट करना है। जब हम इनकम ट्रीट करेंगे, इसको हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी हम इनकम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर रिसीव हो रहा है तो एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, इनकम वाली साइड जो है बाय करके यहाँ पे टू लिखते हैं और यहाँ पे बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंट्रेंस फीस 50% ऑफ 10,000, ठीक है, 50% ऑफ 10,000। तो 10,000 का 50% कितना बना? 5,000। तो यहाँ पे हम 50% जो है 5,000 जो है 10,000 का वो यहाँ पे शो कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड जो है जितना हमें बोला है कि रेवेन्यू या इनकम ट्रीट करनी है, तो हम यहाँ पे जितना परसेंट बोला हुआ है, अगर यहाँ पे 60% बोला होता 10,000 का, तो यहाँ पे 6,000 आ जाने थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे, जो एंट्रेंस फीस है, ठीक है, एंट्रेंस फीस जो है उसका 50% ऑफ 10,000, यहाँ पे एंट्रेंस फीस लिखेंगे और इसको 10,000 का 5%, दैट इज 5,000, ठीक है। 10,000 का 5%, 5,000 यहाँ पे शो कर देंगे और यहाँ पे भी 5,000। अगर 50-50 बोला, यहाँ पे 60 बोला होता तो 6,000 यहाँ पे होता और यहाँ पे 40% यहाँ पे रहा होता और 4,000 हम यहाँ पे लिखते। मतलब 10,000 जितना रिसीव हो रहा है उतना पार्ट जो है कुछ जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है और जो बच रहा है उसको बैलेंस शीट में शो करना है। वहाँ पे हमें कंडीशन ये, जैसे ये कंडीशन दी होगी, जैसे 50 और 50 दिया हुआ है तो यहाँ 60 और 40 भी हो सकता है, 30 और 70 भी हो सकता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन करना है। एंट्रेंस फीस फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि एंट्रेंस फीस होती क्या है। इट इज़ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। और इसको कैसे ट्रीट करा जाता है, जैसे मतलब इसको अगर कुछ ना बोला हो क्वेश्चन में तो रेवेन्यू इनकम माना जाता है और रेवेन्यू इनकम जो है वो शो करी जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चन साइलेंट है, रेवेन्यू इनकम माननी है और कहाँ कहाँ शो करनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। साइड्स आपको पता है कहाँ कहाँ शो करनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम साइड। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने जो है 10,000 आपको जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एंट्रेंस फीस जो है वो रिसीव हो रही है और 10,000 में से जो 50% है उसको रेवेन्यू ट्रीट करना है और 50% जो है उसको कैपिटलाइज का मतलब होता है कैपिटल में ऐड करके शो करना। ऐड करके भी शो कर सकते हैं या फिर बैलेंस शीट में जैसे अलग से शो करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। कैपिटलाइज मतलब यही होता है कि बैलेंस शीट में शो करना और या फिर कैपिटल में ऐड करके शो करना। जब भी आप बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो ठीक ही आएगा, मतलब वैसे भी अगर अलग से शो करेंगे तब भी उतना ही अमाउंट आएगा, अगर इसको अलग से दिखाएंगे जैसे एंट्रेंस फीस को अलग से दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, तब भी इसका टोटल जो है बराबर आएगा। अगर एंट्रेंस फीस को कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तब भी उसका वैसे ही आएगा अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 10,000 जितनी रिसीविंग हो रही है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी, क्योंकि अगर कैपिटल नेचर का मान के चल रहे हैं तो कैपिटल नेचर की भी आइटम्स आती हैं और रेवेन्यू नेचर की भी आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है वो इनकम साइड जितनी परसेंटेज बोली होगी, जैसे 10,000 अमाउंट था, 50% बोला हुआ है तो उसका 5,000 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने रेवेन्यू ट्रीट करा हुआ है वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में बोला है कि 50% जो है उसको कैपिटलाइज करना है, तो बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस का जो 10,000 का 50% ले लिया, 5,000 यहाँ पे हमने शो करना है। तो अगर इसको कंडीशन के साथ दिया हुआ है तो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आएगा, जैसे परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आएगा, बट किस अमाउंट से आएगा, फुल अमाउंट से आएगा जितनी रिसीविंग हो रही है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा जितना हमें बोला है रेवेन्यू ट्रीट करना है या इनकम ट्रीट करना है, ठीक है, और बैलेंस शीट में भी आएगा अगर जितनी परसेंटेज हमें बोली हुई है कि उसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे और रेवेन्यू नेचर का जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा और
साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी जो है इट इज द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, लेगेसी जो है ये अमाउंट है या प्रॉपर्टी है जो कि रिसीव होती है पर्सन से उसकी इच्छा से, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद। ठीक है, मतलब कोई आदमी जो है अपना पूरा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर देता है कि आफ्टर डेथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, डोनेट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी। लेगेसी और ये लेगेसी जो होती है वो क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर की है। अब नॉन रिकरिंग नेचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर है कि ये बार बार नहीं दी जाती, मतलब ये बार बार नहीं होगी। ठीक है, मतलब इसको कैपिटल नेचर का माना जाता है। ठीक है, तो लेगेसी जो है वो क्या है, एक अमाउंट है या प्रॉपर्टी है जो कि एक आदमी अपनी इच्छा से देता है आफ्टर हिज, मतलब अपनी उसकी डेथ के बाद। ठीक है, और ये नॉन रिकरिंग नेचर की है, कैपिटल नेचर की है। ठीक है, तो आपको अभी तो सब पता लग गया होगा कि कैपिटल नेचर की जो आइटम्स होती हैं उनको कहाँ शो करते हैं, रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होती हैं उनको कहाँ शो करते हैं। अगर ये कैपिटल नेचर की है तो इसको कहाँ शो करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे, और रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड जो है इसको शो करेंगे टू लेगेसी, और जो अमाउंट दिया होगा आप यहां पे शो कर देंगे उसको। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों शो नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये जो है वो कैपिटल नेचर की है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ही लेते हैं इनकम्स और इनकम और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के ही लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो नहीं किया जाएगा लेगेसी को। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो है वो लाइबिलिटी साइड शो करा जाएगा, या तो फिर इसको ऐड कर दो कैपिटल में। ठीक है, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर आप जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट ये लायबिलिटी वाली साइड है, ये अमाउंट है, ये एसेट्स हैं, और ये अमाउंट या रुपीस जो भी है। यहाँ पे अगर आपको कैपिटल दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हैं लेगेसी, ऐड करके यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी ये बताया कि बैलेंस शीट में जो है वो इस तरह भी शो कर सकते हैं इसको, और इस तरह से भी सिंगल भी शो कर सकते हैं। कैपिटल तो होगी, कैपिटल अलग से बता दो, लेगेसी अलग से बता दो, या फिर लेगेसी को कैपिटल में ऐड करके शो कर दो। ठीक है, तो ये मतलब दोनों तरह से ही ठीक है ये, बट आपको पता होना चाहिए कि जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या कैपिटल इनकम्स हैं वो कहाँ शो करनी है। वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आनी आनी है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आनी है। अगर रेवेन्यू नेचर का बोला हुआ है क्वेश्चन में, तभी आपने वो आइटम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। ठीक है, और एक चीज और भी बता दूं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हम जैसे पास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी आइटम्स लेते हैं, ठीक है, और करंट ईयर्स के भी आइटम लेते हैं, और नेक्स्ट ईयर के भी आइटम्स आते हैं इसमें। ठीक है, बट जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ हम करंट ईयर के इनकम्स और एक्सपेंडिचर ही लेते हैं।
ठीक है। तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये तीनों ही, मतलब प्रीवियस ईयर के भी और करंट ईयर के भी, नेक्स्ट ईयर के भी, ये सारे ही तीनों ही तरह की आइटम्स जो हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती हैं, लेते हैं। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ हम करंट ईयर की आइटम्स ही लेते हैं, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हों चाहे वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हों, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, इट इज़ द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव एज पर द विल ऑफ द पर्सन आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। ये एक ऐसा अमाउंट है या फिर ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि एक आदमी अपनी डेथ के बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो अपना जैसे पूरा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस वो दे देगा, तो वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए क्या बन जाएगी, ये लेगेसी। और लेगेसी जो है ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब कि इसको बार बार जो है वो नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, तो जब भी आपका नॉन रिकरिंग नेचर आता है तो ये कैपिटल नेचर की होती है, ये कैपिटल इनकम होती है, ठीक है। और जब कैपिटल का नाम आता है तो कैपिटल से आपने ये याद रखना है कि जो कैपिटल नेचर की है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी और फिर बैलेंस शीट में आएगी, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम रेवन्यू इनकम्स या रेवन्यू एक्सपेंडिचर ही शो करते हैं। थैंक यू। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हिसाब से देखेंगे कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन या जो भी आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उनके हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है और बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फर्स्ट दिया हुआ है आपको फीस कलेक्टेड। फीस जो है वो कलेक्ट करी गई है कितनी, 4,50,000 दिया हुआ है, बट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग रुपीज 50,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। बोला हुआ है कि फीस जो कलेक्ट की गई है वो 4,50,000 की गई है, बट ब्रैकेट में दिया हुआ है कि जो 50,000 है वो प्रीवियस ईयर की है, और हमें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी मैंने बताया था जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें जो है वो सिर्फ हम करंट ईयर की लेते हैं, जो भी आपको दिया होगा तो हम करंट ईयर से रिलेटेड ही लेंगे, हर चीज़ जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अब इसमें बोला है कि फीस कलेक्टेड, जो फीस जो इकट्ठी की गई थी वो 4,50,000 थी, बट उसमें जो 50,000 है वो पिछले साल का है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पिछले साल का है, हम तो सिर्फ करंट ईयर का बना रहे हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता ही करंट ईयर का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4,50,000 में से 50,000 जो है वो लेस कर देंगे, ठीक है। और फीस कलेक्टेड कहाँ बताएंगे, कहाँ शो करेंगे, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, ये इनकम वाली साइड शो करेंगे। तो बाय क्रेडिट वाली साइड बाय फीस कलेक्टेड और लेस प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो 4,50,000 में से 50,000 जो है वो लेस कर देंगे, बाहर वाले अमाउंट में हम कितना लिखेंगे, 4 लाख। आपकी जो सेकंड इक्वेशन बोली हुई है कि सैलरी पेड, अब सैलरी पे करी हुई है, ब्रैकेट में फिर से लिखा हुआ है इंक्लूडिंग रुपीज़ 20,000 फॉर प्रीवियस ईयर, जो 20,000 हैं इसमें जो इंक्लूड हैं, मतलब ये जो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है रुपीज़ 2,80,000, इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं वो 20,000 जो वो पिछले साल के हैं, तो हम पिछले साल के नहीं लेंगे, हम जो हैं वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो करंट ईयर से मतलब उसमें प्रीवियस ईयर वाली नहीं लेते हैं, ठीक है आइटम्स। तो यहाँ पे जो 20,000 है वो लेस कर देंगे 2,80,000 में से। उसके बाद सैलरी से ही रिलेटेड एक और इक्वेशन दी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। करंट ईयर जो सैलरी है वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, ठीक है।
देना है पर अभी पे नहीं किया गया है, तो वो करंट ईयर का ही है, यहाँ पे लिखा है ना करंट ईयर का, तो इसको क्या करेंगे, जब भी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है और करंट ईयर की होती है तो हमेशा उसको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे सैलरी में, तो सैलरी पेड, अब पे कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब सैलरी पे करी जा रही है तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, और इसको कहाँ शो करेंगे, एक्सपेंसेस है और एक्सपेंडिचर साइड जो है उसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, तो सैलरी पेड लिखेंगे, कितनी है सैलरी, 2,80,000, ठीक है, अब उसमें जो इंक्लूड थी प्रीवियस ईयर की दैट इज ₹20,000, तो वो क्या कर देंगे, उसमें से लेस करनी पड़ेगी, हमारे पास कितनी रह जाएगी, 2,60,000, और 2,60,000 है तो उसमें फिर से सैलरी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग बोली हुई है, ठीक है, और वो कौन सी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर की, तो करंट ईयर की जो है उसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो 50,000 उसमें ऐड हो जाएंगे, जो सैलरी है, ठीक है, 2,80,000 माइनस 20,000 कितना रह गया, 2,60,000 रह गया, ऐड 50,000, 3,10,000, तो जो बाहर वाले अमाउंट में, बाहर वाले कॉलम में जो लिखेंगे जो अमाउंट आएगा आपका, वो आएगा 3,10,000, फिर आता है आपका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, आपने 11th में भी देखा होगा कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, तो वो कहाँ शो करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, जो भी एक्सपेंसेस हैं कहाँ हम शो करेंगे, डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताया है मैंने, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसमें सारे ही एक्सपेंसेस जो होते हैं और लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, और जितनी भी इनकम्स और गेन्स होते हैं वो हम क्रेडिट करते हैं, तो एक्सपेंसेस हैं 15,000 एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। नेक्स्ट आपको मीटिंग एक्सपेंसेस, ये मीटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भी 50,000 हैं और इनको भी हम एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंडिचर साइड ही आएंगे, और एक्सपेंडिचर साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड, वो ₹18,000 वो भी हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। परचेजेस ऑफ बुक्स, ठीक है, अब ये देखना है कि परचेजेस ऑफ बुक जो हैं ये बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, जब भी बुक्स परचेज करी जाती हैं, ठीक है, तो उनको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल पेमेंट है, इसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम है ये, ठीक है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, इसको शो नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये कैपिटल नेचर की आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेंट पेड, अब रेंट पेड है 12,000 है, ₹12,000 रेंट पेड को कहाँ शो करेंगे, एक्सपेंसेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कहाँ शो करते हैं, एक्सपेंडिचर वाली साइड, डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हैं, कहाँ जाएंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, एक्सपेंडिचर वाली साइड जाएंगे, डेबिट वाली साइड जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको डोनेशन रिसीव, अब इसके साथ कुछ भी नहीं बोला हुआ है, क्योंकि डोनेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की भी होती है, दो तरह की होती है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला हुआ है डोनेशन रिसीव के लिए, तो हम डोनेशन को क्या एज्यूम करके चलेंगे, ये रेवेन्यू नेचर की है, ठीक है। तो जो इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ है, बट आपने जब आपको क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले अगर आपको डेट दी हुई है, ईयर दिया हुआ है 31 मार्च समथिंग, जो भी ईयर दिया होगा वो लिख लेना है आपने फॉर द ईयर यहाँ पे, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा था ही नहीं कुछ भी, तो मैंने नहीं लिखा है, बट आपको होगा वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये 2017 के ए सेट में आया हुआ है, ए सीरीज का क्वेश्चन है ये जो मैं भी करवा रही हूँ आपको। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आपको डेट दी हुई है तो नेक्स्ट वाली लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपको दिसंबर दिया है 31 का जो भी दिया हुआ है वो अभी आगे आप ईयर लिख लोगे और सारा ही क्वेश्चन यहाँ से टू लाइंस, ठीक है,
यहाँ पे कोई डेट नहीं दी थी, तो हमने मैंने सीधा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही लिखा है। अगर डेट दी होगी तो वहाँ पे आपने नीचे वाली लाइन में फॉर द ईयर एंडेड जो डेट दी होगी वो लिख लेनी है आपने। ठीक है, ये आपका आ गया डेबिट साइड और ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है और इसमें एक्सपेंडिचर जितने भी लॉसेस हैं उनको डेबिट साइड और जितने भी इनकम्स हैं उनको क्रेडिट साइड शो करेंगे। अब फर्स्ट जो था हमारा फीस कलेक्टेड, ठीक है, फीस कलेक्टेड कितनी थी? 450,000। 450,000 थी, हमने 450,000 लिख दी। ठीक है, लेस वहां पे हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 50,000 जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो 50,000 जैसे मैंने साथ साथ में आपको समझाया भी था 50,000 जो है वो प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है उसमें सिर्फ हम करंट ईयर की आइटम्स लेंगे, जो प्रीवियस ईयर की दी भी होंगी, यानी कि इसमें बोला था कि जो 450,000 है इसमें 50,000 जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो लेस करने पड़ेंगे, तो यहाँ से हमने लेस कर दिया प्रीवियस ईयर के 50,000। तो बाहर वाले कॉलम में जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 4,00,000। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड इक्वेशन दी थी सैलरी से, सैलरी के रिगार्डिंग, तो जो सैलरी थी वो कितनी थी? 2,80,000। फिर हमें ब्रैकेट में दिया था कि सैलरी में जो 2,80,000 है उसमें प्रीवियस ईयर की सैलरी इंक्लूड है, दैट इज 20,000, तो जो प्रीवियस ईयर की है उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो 2,80,000 में से अगर 20,000 प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास जो बच रहा है वो 2,60,000 बच रहे हैं। ठीक है, 2,60,000। फिर इसके बाद सैलरी से रिलेटेड एक और इक्वेशन दी थी कि बोला था कि उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी है करंट ईयर की और उसके जो उसका जो अमाउंट है वो 50,000 है, तो जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड, मतलब करंट ईयर की वो ड्यू है बट पे नहीं करी हुई है, तो उसको क्या करेंगे? करंट ईयर बोला हुआ है साथ में, ये करंट ईयर की है। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, ऐड करके जो हमारे पास अमाउंट आएगा 3,10,000 उसको अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंपल है जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस से सामने पता लग रहा है कि एक्सपेंडिचर साइड आएंगे, डेबिट साइड आएंगे, 50,000 वहां लिख देंगे, मीटिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस हैं, 15,000 वहां लिख दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 यहाँ लिख दिए, रेंट पेड पेमेंट हो रही है, एक्सपेंडिचर है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 12,000 यहाँ पे लिख दिया, और पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 10,000 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो देखना है आपने, सबसे पहले जब सारी आइटम्स यहाँ पे आ गई हैं क्वेश्चन देखना है, ये वाली साइड ज़्यादा लग रही है आपको कि ये वाली साइड ज़्यादा लग रही है? यहाँ 4,70,000 बन रहा है, 4,70,000 बन रहा है इसका टोटल, और इसका इसका जो अमाउंट है वो 4,70,000 से कम बन रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ये तो हमने बाद में कैलकुलेट करनी है, बट यहाँ तक हमने टोटल करना है जो बन रहा है, तो उसके बाद 4,70,000 में से यहाँ तक टोटल करेंगे जो भी अमाउंट आएगा। अब जो अमाउंट बचेगा वो इस साइड बचेगा, कम ये मतलब ये वाली साइड कम है, तो जो अमाउंट हम लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सरप्लस हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब ये वाली साइड ज़्यादा है 4,70,000, यानी कि क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड ज़्यादा है, तो हमें सरप्लस हो रहा है। जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा तो उसमें हमें सरप्लस होगा, ठीक है, या फिर डेफिसिट होगी। अगर डेफिसिट हो रही है तो एक्सपेंडिचर वाली साइड ज़्यादा है और हमारे पास अमाउंट इधर बचेगा डेफिसिट वाला। ठीक है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, बट यहाँ पर हमें सरप्लस हो रहा है। ठीक है, वो कितना हो रहा है? 90,000। ठीक है, तो आप ये आपका सरप्लस होगा और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो इनकम है, इनकम वाली साइड जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर वाली साइड से।